ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऐसे तो ब्राह्मण परिवार की एक प्रथा है, तुम भी मेरा बोलते हो, मैं भी मेरा बोलते, क्यों बोलते, सब बोलते हैं, पर मेरा मतलब क्या? केवल बोलने के लिए मेरा या प्रैक्टिकल मेरा? आज रियलाइज करना है मुझे ये, जो मेरे अपने हैं क्या उसी लिस्ट में मेरा बाबा भी है? क्या मेरे बाबा के प्रति वही कर्तव्य, वही फर्ज, वही प्रेम, वही भावना है जो मेरे अपनों के लिए है? और यदि नहीं तो फिर लाख मुंह से कहिए मेरा वो मेरा नहीं है। तो एक तो उससे मेरापन बढ़ाते चलना है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, क्यों कहा मुझसे मेरापन बढ़ाइए। एक तो ये लॉजिक है कि मेरों को इमीडिएट मदद मिलती है, तत्काल, परायों को नहीं। आपके घर में आपका कोई प्रियजन सो रहा है गहरी नींद, 12-1 बज रही है और वो जोर जोर से चिल्ला के आपको पुकारने लगे, आप रजाई ओढ़ के बड़ी मीठी नींद सो रही हो, लेकिन जब बाजू से पुकारने की आवाज आई तो क्या करेंगे? प्रैक्टिकल बात करेंगे, बिल्कुल क्या करेंगे, हम रजाई फेंक देंगे, ना ठंडी देखेंगे, घुटने में भी दर्द है तो सामर्थ्य से तेज भागेंगे, क्यों पुकार रहा है, क्यों चिल्ला रहा, क्या हो गया, ऐसा ही होता है ना। लेकिन अगर ये पुकारने की, रोने की, चिल्लाने की आवाज पड़ोस से आए तब क्या करेंगे? जो तकिया कान के नीचे है ना, ऊपर आ जाएगा, डिस्टर्ब कर रहा है रात को, और कान को दबा करके और रजाई तान के सो जाएंगे। उसके लिए भागेंगे मदद के लिए, किसको मदद मिली? मेरे को मदद मिली। और यही सत्य है कि मदद मेरों को मिलती है। अगर परमात्मा की मदद चाहिए तो उससे मेरापन बढ़ाइए, इमीडिएट तत्काल मदद मिलेगी। अगर दूरियां होंगी तो मदद रिसीव नहीं कर पाएंगे हम, उसकी मदद आने में देर हो जाएगी, दूरियां जहां वहां देर, तो नजदीकियां, मेरापन। और एक बात मैं आपको यहां सत्य बता देती हूं, बिल्कुल सत्य है, आप मेरे से स्टैंप पेपर पे लिखवा के ले लो, डंके की चोट पे बता रही हूं कि अगर तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में, चारों युगों में जिसको मैं मेरा कह सकती हूं, अगर कोई मेरा है, रियल में मेरा है, तो स्टैंप पेपर पे लिख के ले लो, वो सिर्फ ऊपर वाला है, बाकी यहां सब ब्रह्म है, केवल हिसाब किताब चुक्त करने का नाता है, कोई अच्छा लेने आया है और कोई देने आया है, यहां केवल लेन देन के मेरे हैं। और जिस दिन ये लेन देन हिसाब किताब कंप्लीट होगा, कोई बात नहीं, जिस दिन ये लेन देन कंप्लीट होगा उस दिन क्या होगा सोचिए, मेरा मेरों के साथ जिस दिन हिसाब किताब कंप्लीट होगा तो उनका रास्ता इधर और मेरा रास्ता, फिर कोई जानेगा? आज मेरी आयु 40 वर्ष है, 41 वर्ष पहले कहां थी मैं? आपको पता है जब मैं थी, आज से 50 साल पहले जहां मैं थी, वो माँ मुझे इतना प्यार करती थी, अपनी नैनों में समा के रखती थी, मेरा भाई उसके सर की ताज थी, बाप की लाडो थी, पर कौन थे वो, कौन थे वो, नहीं कौन थे वो, आज मुझे पता है, आज मैं यहां से चल बसूं, इनका पता रहेगा ये कौन है? केवल यहां कार्मिक अकाउंट सब लेने देने, और जिनसे हमारे ज्यादा कार्मिक अकाउंट है ना, उन्हीं से मेरे घनिष्ठ रिलेशन है, वही मेरे हैं, और जिस दिन ये खत्म होंगे उसका रास्ता इधर होगा और मेरा, फिर मैं उसको जानती भी नहीं वो कौन है। हम कहीं जा रहे थे तो एक बहुत अच्छा शमशान घाट था एक जगह, हम गुजरात में गए, हमने कहा यहाँ क्या फेमस जगह है, कौन सी, क्या फेमस है यहाँ का, बोला शमशान घाट, उतना नहीं नहीं वहाँ तो नहीं जाना हमको, कहते नहीं बहन जी यहाँ का शमशान घाट बहुत ही बढ़िया है, मरने को मन करता है इसे देख के,
अच्छा, तो उसके बाहर से निकल रहे थे, एक बड़ी मोटी लाइन लिखी हुई थी एक शमशान घाट के आगे, मेरे चार भाइयों जो अर्थी पे लेके जाते हैं, आप हमें यहां तक छोड़ने आए, आपका लाख लाख शुक्रिया। मैंने जो बाजू में एक बहन बैठी थी उसको मजाक में कहा कि एक लाइन और लिख दी जाए इसके नीचे कि जो मुझे यहां तक छोड़ने आए हैं, कंडीशन ये है कि वो वापस नहीं जाएंगे, मेरे साथ आगे चलेंगे। अब आप दिल पे हाथ रख के देखिए, प्रैक्टिकल, किसी का कितना भी प्रियजन क्यों ना हो, इस कंडीशन को कोई फॉलो करेगा? अगर ये लागू हो जाए कोई फॉलो करेगा? पता चल गया कैसे मेरे हैं, मालूम पड़ा मेरे कैसे हैं सामने से? अच्छा, जिसे हम छोड़ के आए हैं शमशान घाट में, छोड़ के आ गए, उसको जला करके आ गए, और आकर घर में वो हमें चलता फिरता दिखाई देने लगे तो फिर क्या होगा? जब तक वो घर से बाहर नहीं होगा, हम घर में एंटर नहीं होंगे। ये है रियलिटी, फैक्ट, सच्चाई। चार दिन पहले तो वो नजर का चिराग था मेरे, नूर था, जिगर का टुकड़ा था मेरा अति प्रिय, लेकिन आज अगर वो चलता फिरता भी दिख गया तो क्या करेंगे फिर? तो ये केवल हिसाब किताब, कार्मिक अकाउंट का ही लेखा जोखा है। जिस दिन पूरा होता है हिसाब किताब, उस दिन तेरा रास्ता और मेरा रास्ता अलग अलग। ऐसे पता नहीं कितने जन्म ले आई, कितने संबंधों में बंधाई, कितने माता पिताओं को पीछे छोड़ आई, वे साथ नहीं है, ये भी साथ। यही सृष्टि का नियम है, यही सृष्टि का नियम है। परंतु वो 200 साल पहले भी जब मैंने उसको पुकारा था तो उसने मेरे आंसू पोंछे थे। आज भी मैं उसकी तरफ देखती हूं, हजारों वर्षों बाद भी वो मेरा होगा, चाहे शरीर जन्म कितने भी ले लूं, वो मेरा था, मेरा है और सदा मेरा रहेगा। उसमें हेर फेर अदल बदल नहीं हो सकती। है कि नहीं मेरा? कौन मेरा? अब रियलिटी बताइए, कौन है मेरा? 200 साल पहले भी था, आज भी है, हजारों वर्षों बाद भी रहेगा। युगो युगों का साथ है, जन्म जन्म का तेरा और मेरा, ये तो टूटे भी नहीं टूटता, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है।